हैं दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, देश भर में चुनाव की गर्मी चल रही है। इसी बीच पिछले 9 तारीख को हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि हमारे विभाग में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में खार वेस्ट एक जगह है, वहां पे कुछ अनधिकृत इलीगल इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी चल रही है। हमने तुरंत चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड को इन्फॉर्म किया। हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे कुछ साथी जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वहां पहुंचे। जब हम उस प्रमाइसेस में गए तो हमें बिल्कुल से एक समझिए एक किस्म का शॉक लगा देख के कि वहां पे जो चीजें चल रही थी, अगर सचमुच सत्ताधारी पक्ष इस लेवल पे आके चुनाव प्रचार करेगा तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आम जनता तक ये चीज कैसे पहुंचाई जाए। ये एक ग्रीटिंग कार्ड मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, तस्वीर देख रहे हैं आप। अब आप जब कार्ड खुलेगा तो आवाज सुनिए। भारत के भाग्य विधाता मतदाता भाइयों और बहनों, आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। आवाज के साथ मैं आपको बता दूं, इस कार्ड में भारतीय सेना का पूरा उपयोग किया जा रहा है, जो कि सख्ती से मना है। इसमें आप देखिए अमर जवान का सिंबल, राइफल हैड, फाइटर एयरक्राफ्ट, नीचे सैनिकों की तस्वीर, बाकायदा सर्जिकल स्ट्राइक लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में। पीछे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें हैं, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री, दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, 3 राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये तस्वीरों से एक चीज साफ होती है कि ये कार्ड का इस्तेमाल इन लोगों ने ये 3 राज्यों के चुनाव में भी किया था। अब इतना घोर अपराध जो शख्स कर रहा है उसके खिलाफ दोस्तों अभी तक FIR नहीं हुआ है। चुनाव आयोग का नियम है कि जो भी स्टेशनरी प्रिंट हो उस पे क्वांटिटी, पब्लिशर का नाम लिखना अनिवार्य है। इसके बावजूद आज तक चुनाव आयोग ने पुलिस को अपराधियों पे FIR करने का निवेदन नहीं दिया। हमें जब ये चीज कल पता चली कि कार्रवाई रुकी है, हुई नहीं, तो हम कल जाके जो यहाँ के पुलिस ऑब्जर्वर जय नारायण जी हैं, उनको हमने लिखित में एक पत्र दिया है और पत्र में हमने ये भी मेंशन किया है कि जो प्रमाइसेस इस्तेमाल की जा रही थी जिस कंपनी की, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, उस कंपनी में इस देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के सगे भाई प्रदीप गोयल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी आए हुए हैं सिन्हा साहब, उनसे भी हम मिले, उनको भी हमने ये चीजें बताई, उनको भी हमने लिखित में दिया है। हमारी मांग है कि सिर्फ उस प्रमाइसेस के ओनर पे कार्रवाई नहीं, पूरा मनी ट्रेल का पता किया जाए। एक कार्ड की कीमत दोस्तों 350 रुपये है। 98 बॉक्सेस एक कार्ड से भरे, करीब 125 करोड़ की सामग्री सिर्फ उस दिन वहां पे सील हुई है। इतना पैसा ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने में, किसी तरीके से फिर से सत्ता में आने के लिए। बड़े शर्म की बात है कि इस लेवल पे भी वो जाके भारतीय सैनिक
जो देश के लिए शहीद होते हैं, मगरमच्छ के आंसू जाके उनके घर बहाते हैं ये लोग, लेकिन अपने सत्ता में आने के लिए उनका इस्तेमाल खुद करते हैं, इस चीज पे हमें बड़ी आपत्ति है। हमने चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, कार्रवाई नहीं होने पे हम अपने तरीके से जो भी संवैधानिक मार्ग हमारे सामने है उसके जरिए हम इस चीज को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।